AMMATHS ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। आज का टॉपिक अगेन रिलेटेड टू द न्यूटन रैप्सन इटरेटिव फार्मूला। पिछले लेक्चर में हमने इससे पढ़ा था इन्वर्स जो हमारा है इटरेटिव फार्मूला उसका क्या होता है इन्वर्स के लिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो न्यूटन रैप्सन इटरेटिव फार्मूला फॉर स्क्वायर रूट या इन्वर्स स्क्वायर रूट और उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा उसमें हम बात करेंगे। तो आइए हम इस पर बात करते हैं और कैसे इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या फाइंड आउट होगा, न्यूटन रैप्सन इटरेटिव फार्मूला क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं। बहुत ही मतलब लॉजिकली वे है, जैसे हम नॉर्मली करते वैसे ही इसको भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर रूट वाली बात करते हैं। स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इम्प्लाइड दैट एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये जो हमारा वर्कआउट होगा दैट इज द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये चीज़ जब निकल गई तो इसका डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, एफ डैश एक्स हमारा क्या मिल जाएगा 2x। तो न्यूटन रैप्सन फार्मूला क्या है, दैट इज हियर एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्शन माइनस एफ ऑफ एक्शन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्शन। ये फार्मूला मान रख दीजिए सिंपल, एक्शन माइनस एफ एक्शन मतलब ये वाला एक्शन स्क्वायर माइनस ए अपॉन टू एक्शन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सिंपल, टू एक्शन स्क्वायर माइनस एक्शन स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई टू एक्शन, ठीक, दैट इज एक्स एन प्लस वन। तो सिंप्लीफाई करके हमें रिजल्ट मिलेगा एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्शन स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए, ये रिजल्ट मिल गया हमारा, ध्यान रखिए दैट वैल्यू इज। तो हमारा रिजल्ट ये मिलेगा। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं आप, अपॉन टू एक्शन है तो वन बाई टू कॉमन करके इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, तो एक्शन प्लस ए अपॉन एक्शन, ये मिल गया हमारा फार्मूला। तो जो आपका स्क्वायर रूट के लिए न्यूटन रैप्सन इटरेटिव फार्मूला है ये हमारा है, ठीक है। दूसरा जो है वो है इनवर्स स्क्वायर रूट, इनवर्स स्क्वायर रूट के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर रूट, इनवर्स स्क्वायर रूट के लिए तो सिंपल सा कहने का ये मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई ए कह सकते हो या वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अगर वन अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए हो जाएगा, इम्प्लाई दैट वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये रिजल्ट। तो इनवर्स स्क्वायर रूट, अब एफ ऑफ एक्स जो है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे हम तो ये मिल जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब एफ डैश एक्स। अब फार्मूले की बात कर लें, न्यूटन रैप्सन फार्मूला, एक्शन प्लस वन इज इक्वल टू एक्शन माइनस, ध्यान रखिए दैट इज एक्शन माइनस एफ ऑफ एक्शन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्शन। अब इसी में हमें पुट अप करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नाउ पुट नाउ तो वी गेट दिस इज एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्शन माइनस अफेक्शन इज वॉट, अफेक्शन इज हियर, ये देखिए एक्शन एफेक्स क्या हमारा ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन एक्शन स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस टू अपॉन एक्शन क्यूब, इसको न्यूमरेटर में ले जाए तो ये माइनस माइनस प्लस और एक्शन क्यूब अपॉन टू, ठीक, ब्रैकेट वन अपॉन एक्शन स्क्वायर माइनस ए, दैट वैल्यूज। अब मॉडिफाई थोड़ा कर सकते हैं हम इसको, तो मॉडिफाई कर लीजिए
तो एक्शन माइनस प्लस वन बाई टू रखता हूँ, ये ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, ध्यान रखिए, एक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ए एक्शन क्यूब, ठीक, ये हो गया। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्री बाई टू एक्शन माइनस ए एक्शन ऑफ क्यूब, अदरवाइज एक्शन बाई टू भी कॉमन कर सकते हैं आप, तो थ्री माइनस यहाँ पे हम कर देंगे, तो ये देखिए जब वन बाई टू सबके साथ है, इसको सिंप्लीफाई किया वन बाई टू यहाँ भी है, तो अब ये जो सिंप्लीफाई होगा वन बाई टू तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्शन स्क्वायर एक्शन प्लस वन, तो ये हमारा रिजल्ट मिल जाएगा इसका फार्मूले का, ध्यान रखिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसके लिए जो हमारा न्यूटन राफ्सन इटरेटिव फार्मूला है इनवर्स स्क्वायर रूट के लिए ये निकाल लेंगे। अब आगे जो है रेट ऑफ कन्वर्जेंस की बात करनी है कि व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ स्क्वायर रूट, तो क्वाड्रेटिक होगा जनरल, बट हाउ टू प्रूव इट, आपको प्रूव भी करना है कि हम कैसे कि फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द प्रूव है प्रूफ इट, तो हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे किसका, स्क्वायर रूट का। रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ स्क्वायर रूट इसका, तो अब सिंपली लॉजिकली हमें क्या प्रूफ करना है उस पर बात करनी है हमें। तो फार्मूला हमारे पास ये है, स्क्वायर रूट का ये फार्मूला था, इसी को सिंप्लीफाई करना है, बट रेट ऑफ कन्वर्जेंस के लिए करते क्या है, आपको करना क्या है, पहला आपका टारगेट ये डिसाइड होना चाहिए, इसमें बदलना है, जो भी दिया हुआ हमारा फार्मूला है उसको हमको इस टारगेट में बदल देना है और के का मान फाइंड आउट करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। हाउ टू फाइंड, सिंपल, तो हम मानेंगे अल्फा, अल्फा बी द एग्जैक्ट रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये रूट है, तो एक्सएन इज इक्वल टू क्या होगा, ई एन प्लस अल्फा, एक तो नॉर्मल सी बात है, इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक नया सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, नया सीखेंगे ये, दैट इज जनरली आप या तो रिमेंबर रख लीजिए या तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें हम लेट मान लेंगे इस अल्फा, सॉरी एक्शन इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस ई एन अपॉन वन माइनस ई एन, ये भी एक इटरेटिव है, तो अगर स्क्वायर रूट का करना है तो हम ये जनरली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो इससे आसानी रिजल्ट थोड़ा सा हमें आसानी से मिल जाएगा और कोई ज़्यादा नहीं। बट अगर हम ये भी वैल्यू पुटअप करके करेंगे जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम्स में किए हुए हैं तो ऑलरेडी हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम इस पे बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो एक्शन इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो अब एक्शन ये है तो एक्स एन प्लस वन क्या मिल जाएगा, अल्फा वन प्लस ई एन प्लस वन वन माइनस ई एन प्लस वन, ये मिल जाएगा। तो अब वो बात करते हैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से आ जाते हैं, मान लीजिए कोई वन होगा तो जो हमारा एक्शन प्लस वन वन बाई टू एक्शन प्लस ए अपॉन एक्शन है, ठीक है। तो अब इसी पे हम बात करते हैं वैल्यूज़ को पुटअप करके कि हमें क्या मिलता है, और ये ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है तो ए इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर, ये हम मान चुके हैं अल्फ़ा भी द रूट है तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्कआउट, रख दीजिए फटाफट इस यार, तो ये मिलेगा अल्फा वन प्लस ई एन प्लस वन अपन वन माइनस ई एन प्लस वन लेफ्ट में, राइट में हियर वन बाई टू इनसाइड एक्शन है तो अल्फा वन प्लस ई एन अपॉन वन माइनस ई एन प्लस अल्फा स्क्वायर, ए मतलब अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड है
तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वन माइनस ई एन आएगा और यहाँ पे वन प्लस ई एन हो जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो अल्फा इज कॉमन, इज इक्वल टू अल्फा कॉमन है वन बाई टू अल्फा हो जाएगा और वन प्लस ई एन अपॉन वन माइनस ई एन प्लस वन माइनस ई एन अपॉन वन प्लस ई एन, ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए अल्फा कैंसिल होगा, ठीक है, वन प्लस ई एन प्लस वन अपॉन वन माइनस ई एन प्लस वन इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए और वन प्लस ई एन। अब आई नेक्स्ट थिंग, जैसे करेंगे तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हमें मिलेगा वन प्लस ई एन स्क्वायर प्लस टू ई एन, यहाँ पे प्लस वन प्लस ई एन स्क्वायर माइनस टू ई एन। ठीक, अब जो भी टर्म्स हैं ये इसका स्क्वायर होगा तो ये कैंसिल, टू यहाँ पे है तो वन बाई टू ब्रैकेट टू प्लस टू ई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस ई एन स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये प्लस बी और ये माइनस बी, तो टू टू कैंसिल होगा, वन प्लस ई एन स्क्वायर अपॉन वन माइनस ई एन स्क्वायर, लेफ्ट में वन प्लस ई एन प्लस वन अपॉन वन माइनस ई एन प्लस वन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ई एन प्लस वन इस टर्म में ब्रेक करना है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, वन माइनस ई एन स्क्वायर प्लस ई एन प्लस वन माइनस ई एन स्क्वायर और ई एन प्लस वन इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन वन प्लस ई एन स्क्वायर, ओके, और इसका माइनस ई एन प्लस वन, और फिर से इसका गुणा कर देंगे तो माइनस मिल जाएगा ई एन प्लस वन और ई एन स्क्वायर। देख लीजिए दोनों सेम साइन के हैं, ये कैंसिल, वन वन कैंसिल होगा, तो अब जो रिजल्ट मिलेगा उसकी बात कर लें, ई एन को एक साथ रखते हैं तो टू ई एन प्लस वन इज इक्वल टू टू ई एन स्क्वायर, ये वाला पोर्शन इधर और ये, तो ई एन प्लस वन इज इक्वल टू ई एन स्क्वायर, इसकी तुलना हम इससे कर देंगे, के इज इक्वल टू टू, तो रिजल्ट मिल गया हमें क्वाड्रेटिक। ठीक, तो रिजल्ट क्या मिला, क्वाड्रेटिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमें जो मिला है वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो मतलब न्यूटन रैप्सन इटरेटिव जो फार्मूला का स्क्वायर रूट का रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा, ये ध्यान रख लीजिए आप। सिर्फ लीनियर कब मिलेगा, जब रूट्स डबल होंगे, मल्टीप्लायर्स होंगे, ठीक है, दो एक से ज़्यादा होगा मल्टीपल्स रूट्स जो होंगे उस केसेस में वन मिलता है, बाकी ईच एंड एवरी केस जैसे में हमें जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, वो हमेशा न्यूटन रैप्सन का टू मिलेगा, वो स्पेशल केसेस है जिसमें कि वन मिलता है। तो दैट इज़ हियर, सो टेक केयर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।